Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. चुनाव में अधिकारियों को जात के नाम पर हटाते हो, धर्म के नाम पर हटाते हो, वो लोग जात के नाम पे झूठे मुकदमे भी तो लगाते हैं। जो लोग जात और धर्म के नाम पर अधिकारी हटा रहे हैं, सोचो, वो लोग झूठे मुकदमे भी तो जात और धर्म देख करके लगा रहे हैं। सोचिए कैसा लोकतंत्र है। इसकी शिकायत चुनाव आयोग की हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी पीडीए इनको हराएगा। पीडीए की रणनीति 10 के 10 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए प्रधान भी हैं, तो आपका बजट नहीं आएगा, आपका इंटरनेट खराब हो जाएगा, और इसमें अधिकारी मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए प्रधानों को उनका बजट ना मिल पाए। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की। तो कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ी साजिश का लगा दिया है आरोप। उपचुनाव की तैयारियों के बीच अखिलेश यादव ने दे दी है योगी को पीडीए की चुनौती। कन्नौज पहुंचे अखिलेश तो जोश हाई था, क्योंकि इस कन्नौज सीट से उतरकर अखिलेश ने लोकसभा का मैदान फतह किया था। क्योंकि इसी कन्नौज से मैदान में उतरकर अखिलेश ने मानो चुनावी हवा का रुख बदल दिया था। जहां सुब्रत पाठक के पाकिस्तान हिंदू वाले बयान पर अखिलेश का पीडीए वाला नारा भारी पड़ा था, अब वहीं उपचुनाव के लिए अखिलेश ने भर दी है हुंकार और सीधे दे दी है सीएम योगी को बड़ी चुनौती। जितने हमारे पत्रकार साथी हैं, इनको पूरे भ्रष्टाचार की जानकारी है कि किस तरीके से तहसील पे, किस तरीके से प्रशासन। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आप समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए प्रधान भी हैं, तो आपका बजट नहीं आएगा, आपका इंटरनेट खराब हो जाएगा, और इसमें अधिकारी मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए प्रधानों को उनका बजट ना मिल पाए। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की। हालांकि इस दौरान अखिलेश यादव एक बड़ी साजिश का दावा करते हैं। दावा सपा के नेताओं के काम को रुकवाने का, दावा विकास काम में योगी के अधिकारियों के अड़ंगे का। कहते हैं कि सपा के प्रधानों को बजट नहीं मिल रहा। कहते हैं कि जाति विशेष के अधिकारियों को उपचुनाव के पहले इधर उधर भेजा जा रहा है। कहते हैं कि जाति विशेष के लोगों को फर्जी केसेस में फंसाया जा रहा है। सुनिए, चुनाव में अधिकारियों को जात के नाम पर हटाते हो, धर्म के नाम पर हटाते हो, वो लोग जात के नाम पे झूठे मुकदमे भी तो लगाते हैं। जो लोग जात और धर्म के नाम पर अधिकारी हटा रहे हैं, सोचो, वो लोग झूठे मुकदमे भी तो जात और धर्म देख करके लगा रहे हैं। सोचिए कैसा लोकतंत्र है। इसकी शिकायत चुनाव आयोग की हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी पीडीए इनको हराएगा। पीडीए की रणनीति 10 के 10 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। वैसे अखिलेश के दावे और आरोपों पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। कन्नौज से प्रभम श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।